बारामती लोकसभा सीट पर भाभी ननद का होगा आमना सामना। अजित पवार के बयान पर क्या बोली सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूटने के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में बारामती लोकसभा सीट के समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। ये सीट अब तक पवार परिवार का गढ़ रही और सुप्रिया सुले यहीं से चुनकर लोकसभा जाती रही हैं। लेकिन अब ये परिवार के बीच सियासी लड़ाई का केंद्र बनने जा रही है। इस बीच अजित पवार ने संकेत दिए हैं कि वो सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दे सकते हैं। सुप्रिया सुले ने क्या कहा? वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर अब एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए ये कहना उचित है। लेकिन कल लोकतंत्र के मंदिर संसद में जिस तरह से संसदीय प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि ये हम जैसे प्रतिबद्ध और समर्पित लोगों के लिए बहुत दर्दनाक है क्योंकि हम जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज की ओर देखते हैं जिन्होंने तमाम मतभेदों के बाद भी संसद में बहस की है। मुझे आश्चर्य और निराशा है कि अजित पवार जैसा वरिष्ठ नेता ऐसा कुछ कह रहा है। क्या बोले अजित पवार? दरअसल अजित पवार ने कहा है कि बारामती से एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करेंगे जिसने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन उस उम्मीदवार के समर्थकों के पास पर्याप्त अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इस उम्मीदवार को ये मानकर वोट देना चाहिए जैसे कि वो खुद चुनाव में उतरे हों। बता दें, सुनेत्रा के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन वो बारामती इलाके में बतौर समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं।